हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लच कवर के बारे में और साथ ही साथ किक शाफ्ट गियर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और ये देखिए इसका जो ये क्लच कवर है वो कितने का है, तो 1050 के अराउंड दोस्तों इसका कुछ प्राइस है, मतलब 1000 रुपीज़ के करीब में कुछ इसका प्राइस है। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं और साथ ही साथ ये गियर्स वगैरह भी हम चेंज करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे ये सब चीज़ें रीबिल्ड कर कर भी। तो अगर आपने हमारे क्लच पुल्ली वगैरह वाली वीडियो वगैरह नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कि आप क्लच कैसे फिट करें। और साथ ही साथ अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे देखिए इस कवर के बारे में, क्योंकि किक शाफ्ट वगैरह इसमें बैठने वाली है, तो इसे कैसे आप फिट कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें पहले हम धो लेते हैं और ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। देखिए जो इसका किक शाफ्ट का देखिए गियर है ये टूट गया था, तो ये एक बार नहीं टूटा दोस्तों, ये 2 से 3 बार टूट चुका था। जिस बंदे की गाड़ी थी उसने 2 से 3 बार इसे रिप्लेस कर चुका था, फिर भी उसका जो प्रॉब्लम था कि एक शाफ्ट टूटने का बार बार हो रहा था, तो इसका एक शाफ्ट टूट रहा था। तो होता क्यों है दोस्तों ये, तो ये देखिए जो बुशिंग होता है जो इसमें बैठता है उसमें अगर प्ले आ जाती है तो क्या होता है, जब आप किक मारते हैं तो आपका किक जो है वो आउट जाता है, मतलब सीधा नहीं जाएगा, आपका किक थोड़ा अंदर साइड में दब जाता है और आपका शाफ्ट प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं हो पाता है आपके देखिए बैंडेक्स के साथ में बैंडेक्स नहीं दोस्तों बोलेंगे उसको, तो नाम थोड़ा दोस्तों मैं भूल गया हूँ। तो इसका जो शाफ्ट होता है जो किक शाफ्ट होता है वो दूसरे वाले जो गियर से इंगेज होता है, गियर या आप समझ लीजिए, तो दूसरे वाले गियर से इंगेज होता है। तो क्या होता हो रहा था इसमें कि जो इसके जब हम किक मारते थे तो जो हमारी किक थी वो आउट होती थी, मतलब उसका जो बैलेंस था वो प्रॉपर नहीं सीधा रह पा रहा था और वो आउट हो रही थी, मतलब आप किक मारते हैं तो अंदर साइड में चले जा रही थी, जिसकी वजह से ये बुश जो जहाँ पर बैठता है हमारे इस गाले में वो गाला जो है वो बढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारा किक जो है वो सीधा नहीं जा रहा था बल्कि आउट हो जा रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम इसमें आ रहा था, तो हमने देखिए इसका जो ये कवर है वो चेंज किया और इसका जो बुश है वो प्रॉपर तरीके से इसमें बैठ गया। आप अगर आपके साथ में ऐसा कभी होता है तो आप इसका बुश पहले चेंज करके देखिए, अगर बुश से ना हो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व तो आप इसका जो कवर है वो चेंज कर दीजिए दोस्तों। अगर आपके यहाँ पर लेथ वाला हो तो वो भी रिपेयर अगर करता हो तो उससे रिपेयर करवा सकते हैं, वरना आप नया ही डाल देंगे तो बेटर है, क्योंकि बार बार की तकलीफ़ से अच्छा एक ही बार आप खर्चा करें। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए एक ओरिंग लगानी पड़ती है, उसके बाद में देखिए जो इसका गियर है पहले देखिए स्प्रिंग वगैरह आप लगा लीजिए। तो आइए शुरुआत से देखते हैं आप इसे कैसे फिट करेंगे। तो ये देखिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आप स्प्रिंग लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए आप बीच में उंगली मत डालिए, वरना आपकी जो उंगली है उसमें सुराख हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग बहुत तेज़ी से पलटती है दोस्तों और आपके जो उंगली है उसमें सुराख कर सकती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बारीक चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रीस लगा लीजिए, ग्रीस लगाने के बाद में इसमें बुश लगा दीजिए, तो बुश हमने लगा दिया और अभी ग्रीस भी लगा दिया है देखिए, और साथ ही साथ जो ये देखिए दोनों कॉलर में हमने ग्रीस लगा दिया है। तो दोनों कॉलर में ग्रीस लगाने के बाद में ये देखिए बुश जो है, तो स्प्रिंग कुछ इस तरह से आपको लगानी है, एक कट है वो ऊपर साइड में लगेगा और दूसरा सिरा है वो आपको इस तरफ में रख देना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद में ये देखिए आपको एक वाइशर डालना है, वाइशर डालने के बाद में एक लॉक होता है उस लॉक को बिठाना है, तो नीचे साइड में एकदम बिठाइएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये किक शाफ्ट जो है आपका पूरी तरीके से बाहर निकला हो, यहाँ से थोड़ा हल्का टैप भी कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बाहर नहीं आया तो आप इस पर हल्का सा टैप कर लीजिए उस तरफ से। और टैप करने के बाद में देखिए आप इसका वाइशर लगा लीजिए, ये थोड़ा स्प्रिंग इसमें जो वाइशर है प्रॉपर से बैठा नहीं था, तो इसको हम बिठा लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। और बैठने के बाद में ये देखिए आप इसके नीचे कुछ रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके नीचे एक कुछ सपोर्ट रख दीजिए ताकि आपका जो गियर है बार बार नीचे साइड जाए ना। और ऐसा आप सपोर्ट लगाने के बाद में देखिए इसका जो लॉक है, वाइशर डालने के बाद में वाइशर हमने डाल दिया और अभी देखिए लॉक है इसको भी बिठा लेते हैं, तो आप पकड़ की मदद से इसको बिठा लीजिए लॉक को, तो ये बैठ जाता है। बस आप ये ध्यान रखिए कि इसके जो नीचे है सपोर्ट ज़रूर रखिए, वरना गियर बार बार नीचे छटक जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा हम इसे टैप भी कर लेते हैं कि चारों तरफ से बैठ गया, इसको कंफर्म हमने कर लिया है कि इसका लॉक बैठ गया है। अब पहले आपको लॉक बिठा देना है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें
कि आपको किक शाफ्ट को पहले घुमाना उमाना नहीं है, आपको केवल सिंपली ऐसा लगा कर, आपको देखिए केवल लगाने के बाद में लॉक लगा दीजिए, लॉक लगाने के बाद में इस स्प्रिंग को घुमाइए। देखें बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग को पहले घुमा देते हैं और बाद में लॉक लगाने की कोशिश करते हैं, तो लॉक बराबर बैठता नहीं है और ये बराबर से काम नहीं कर पाता और स्प्रिंग भी प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाती है, आड़ी तेरी बैठती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए सिंपल है बट थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, आपको ये समझ लेना है कि लॉक पहले लगाइए, बाद में आप स्प्रिंग को घुमा कर लगाइए तो बराबर से बैठ जाएगा। और फिर इसको लगाने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये जो दूसरा गियर है देखिए, इसका भी देखिए ऊपर ग्रीस लगा लीजिए और दांत वगैरह पे इसके टीथ पर भी आप ग्रीस लगाने के बाद में, ये देखिए एक छोटा सा वाइशर होता है इसके नीचे, तो वाइशर को आप पहले लगा लीजिए क्योंकि ऐसा आप डालेंगे अभी तो ये फंसेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा लगाने से अच्छा है आप इसके वाइशर को पहले लगा दीजिए इधर पे और थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए उसके ऊपर और उसके बाद में इसको ऐसा लगा दीजिए, सिंपली बैठ जाएगा। इसको ठोकिए ठाकिए मत, ये बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा हिला लीजिए किक शाफ्ट को, किक को अपने हिला लीजिए थोड़ा सा पीछे से और फिर इसको देखिए ऐसा बिठा लीजिए, ये बैठ जाएगा। बैठने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से काम करेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसा बाहर आता है। जब हम किक को नीचे मारते हैं तो ये ऊपर साइड में उठता है, इसके गियर ऐसे बने होते हैं कि इसको ऊपर साइड में उठाते हैं और हमारा जो आगे साइड में गियर लगा होता है उसके ऊपर अटैच होने के बाद में ये इंजन को घुमाता है। तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए, ये देखिए थोड़ा सा हमने टैप कर लिया और इसके बाद में इसमें 12 नंबर का बोल्ट जो है वो लगा लीजिए। किक को पूरा अंदर मत डालिए, थोड़ा सा बाहर रखिए क्योंकि जो सुराख होता है वो बाहर साइड में होता है, इसका कट जो होता है बाहर साइड में बना होता है, तो उस दर रख के और आप इसको टाइट कर दीजिए 12 नंबर के बोल्ट को। और बाकी जो प्लेट वगैरह है वो भी आप टाइट कर लीजिए। ये हमने टाइट कर लिया है और हमारा सब चीज़ टाइट हो गया है। बाकी अभी देखिए इसके ऊपर ये प्लेट होती है तो कुछ इस तरह से आपको इस इधर लगा देना है और सब स्क्रूज़ जो हैं उसके बिठा देना है। तो इसमें देखिए इसके गियर में हमने ग्रीस लगा ली है, आप गियर में भी ग्रीस लगा लीजिए और बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑयल का इस्तेमाल इसमें ना कीजिएगा। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि ऑयल एयर की वजह से क्या होता है, जब हमारा क्लच घूमता है तो उसमें जाता है और फिर हमारा क्लच वाइब्रेट होता है, हमारा जो हम जब रेस करते हैं तो बेल्ट वगैरह फिसलती है हमारी और प्रॉपर तरीके से इंगेजमेंट नहीं हो पाता है आपके क्लच का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए यहाँ पे, केवल ग्रीस इस्तेमाल कीजिए और वो भी इतना इस्तेमाल कीजिए कि ज़्यादा ना लगे और वो ज़्यादा बहे ना, किसी और कंपोनेंट पे उड़े ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वरना कोई कोई होते हैं कि हद से ज़्यादा ग्रीस भर देते हैं और वो दूसरे कंपोनेंट पर उड़ती हैं और आपके पिकअप वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ इस तरह से आपको फिट कर लेना है ये सब चीज़ें, और ऊपर की प्लेट तो आराम से आप फिट कर लेंगे दोस्तों और उसको लॉक कर दीजिए स्क्रू लगाने के बाद में। तो इस तरह से सब चीज़ फिट होता है दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नगमे वफ़ा गाते रहिए और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय।